अनुपमा की दोनों बेटियां छोटी और पाखी उतर आई हैं मैदान में अपने मां बाप को मिलवाने के लिए। क्या होगा ये मिलन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे कि कब छोटी वो सच्चाई बताएगी अनुज को, जो बंद कमरे में छोटी और अनुपमा के बीच में बातचीत हुई थी। छोटी जो बहुत छोटी है, मगर फिर भी हालातों को उसने धीरे धीरे समझ लिया। उसने देख लिया कि पापा मम्मी के पास ना तो जा रहे हैं, ना ही मम्मी से बात कर रहे हैं, ना ही मम्मी को अब लेके आए हैं। तो माया को तो लगा था कि छोटी सो गई है, मगर छोटी भी अनुपमा की बेटी है दोस्तों, वो कहां सोएगी, उसको तो पापा का इंतजार है। तो माया को तो उसने भगा दिया कि मैं सो गई हूं, मगर अनुज का अपने पापा का इंतजार वो सोए सोए भी कर रही थी। तो छोटी ने तो अपना काम कर दिया और अब पाखी भी वहीं पे पहुंच गई है। तो इसलिए मैंने कहा अनुपमा की दोनों बेटियां मैदान में उतर आई हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। छोटी जो अनुपमा से बहुत प्यार करती है और आज उसने अनुज के सामने ये बात कह भी दी कि मैं माया से ज्यादा अपनी मम्मी को प्यार करती हूँ। और अनुपमा और अनुज के बारे में और माया के बारे में जो छोटी बच्ची ने अपने दिमाग में सोचा हुआ था, बच्चे जैसे सोच पाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा सोचा हुआ था कि मैं सब कुछ बैलेंस कर लूंगी, थोड़े दिन माया के पास रहूंगी, थोड़े दिन आप लोगों के पास रहूंगी। तो ये बात मैंने मम्मी को नहीं बताने के लिए कहा था। तो ये सब बातें जब अनुज के सामने आई तो अनुज हैरान हो गया और अनुज को अब अपनी अनुपमा पे प्यार भी आ गया और अनुज को अंदर ही अंदर ही अपने आप पे क्रोध भी आ गया कि मैंने क्यों इतना सब बवाल कर दिया। छोटी अनु देर से बोली, मगर उसको जब समझ में आया वो तब बोली। हम कह सकते हैं कि छोटी बच्ची ने इतनी देर से क्यों कहा, पहले भी तो दिख रहा था, मगर बच्चे इतनी जल्दी चीजों को समझ पाते नहीं है। उसने देखा, बहुत कुछ समझा भी होगा और काफी बार तो माया ने ही बीच में आके उन दोनों के बीच में दूरियां डाल दी। ये माया ये चाहती थी कि छोटी अनु और अनुज अकेले मिले ही नहीं। अब तो माया ने इसलिए भेज दिया कि छोटी अनु सो रही है और अनुज को भेज दिया कि जाओ देख लो ताकि अनुज जाए ना, और यही उल्टा हो गया माया के लिए। तो यहां पे छोटी अनु ने सच बता दिया, अब अनुज ने माफी मांगनी है अनुपमा से और ये बात माया के सामने कह दी है छोटी अनु ने। अनुज तो अपनी तरफ से क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि मुझे करना क्या है, मगर उसकी और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए पाखी भी वहां पे पहुंच गई है। पाखी ने वहां पे पहुंच के ये साबित कर दिया कि वो पूरा 100% देगी अनुज और अनुपमा को मिलाने के लिए। मगर जो हालात बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि अब अनुपमा अपनी तरफ से ये स्ट्रांग हो रही है कि मैं अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ऐसा जो है उसके इर्द गिर्द के लोग उसको समझा रहे हैं, जो सही भी है कि कल को फिर से, ये तो मैं कह रही हूं, कल को फिर से अनुज को किसी बात पे गुस्सा आ गया, फिर से घर छोड़ के चला गया तो क्या होगा। और मुझे वैसे भी, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ये जो घर छोड़ के जाने वाले लोग होते हैं मुझे कभी पसंद नहीं आते हैं, इन पे कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पसंद वो लोग हैं जो घर पे बैठ के आपसे फाइट भी करे तो घर पे बैठ के करे, आपको बार बार ये धमकी ना दे घर छोड़ के चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे लोगों को घर छोड़ के चले ही जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको उस डर के साए में जीना पड़ेगा, कहीं मैंने ऐसा कह दिया तो घर छोड़ के ना चले जाए, कहीं मैंने वैसा कह दिया तो घर छोड़ के ना चले जाए। तो ये घर छोड़ के जाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं माने जाते हैं, जो कभी भी अपनी फीलिंग्स को ना समझ के अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी करके घर छोड़ के चले जाए। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं अनुज इसके बाद, क्योंकि अब दोनों बच्चियों ने, पाखी जो समझदार है एडल्ट है वो अपने तरीके से चीजों को करेगी और छोटी ने तो ऑलरेडी कर दिया है, और छोटी ने यह भी कह दिया कि मैं पाखी दीदी के साथ ही रहूंगी, आज मैं छुट्टी ले लूंगी। इससे माया को तो बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि छोटी जितना भी माया के पास रह ले मगर दिल से वो इस परिवार के साथ खुश रहती है, उसको यही परिवार अच्छा लगता है जिसमें दादू है, जिसमें दादी है, जिसमें मूछ वाले अंकल है, जिसमें सब लोग हैं।
क्योंकि अनाथालय में बच्चे जो पले बड़े होते हैं उनको परिवार सबसे अच्छा लगता है। तो यहां पे तो प्यार भी है परिवार से मिला हुआ, इतना अच्छा पापा मम्मी का प्यार और बाकी सबका प्यार। तो छोटी अन्नू का दिल तो वहीं पे लगता है और आज उसने अनुज के सामने क्लियर भी कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि ये दोनों बच्चों की यानी कि छोटी और पाकी की कोशिश कितनी कामयाब होती है, क्योंकि हालात अलग तरीके से अब दिखने शुरू हो गए हैं, मगर मुझे यह लगता है कि अब पॉजिटिवली हालात इस तरफ आ रहे हैं और ये मिलन होना अब पक्का है। बाकी देखते हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, सिर्फ हम हालातों के हिसाब से क्यास लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.